फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कैश इनफ्लो. सबसे पहले ये पूछा है कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करके दो. क्या दिया है? कैश इनफ्लोज दिए. ये जो कैश इनफ्लोज दिया है दे आर द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज. एंड ऑल्सो एक्सपेक्टेड मतलब ये इनफ्लोज हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते. फ्यूचर का सिर्फ हमने फोरकास्ट करके रखा है. एंड ऑल्सो स्टेट वेदर मतलब सी एक ही इसमें दो चीजें पूछी है, प्रेजेंट वैल्यू एंड इवन इफ यू हैव टू स्टेट वेदर द इन्वेस्टमेंट इज वर्थ वाइल इफ द अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो प्रेजेंटली इज 60,000 रुपीज. मतलब मैंने आउटफ्लो इज आई हैव इन्वेस्टेड समवेयर 60,000 रुपीज. मेरे पास से इतना पैसा चला गया, ठीक है, 60,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो मुझे ये डिसीजन देके दो कि वेदर ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें वो इन्वेस्टेबल है या नहीं. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू एंड देन यू हैव टू टेक द डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नॉट. कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने ऑलरेडी इनकर्ड कर दिया है? 60,000 रुपीज. सो दिस 60,000 इज योर कैश आउटफ्लो. प्रोसेस रिमेन्स द सेम जो स्टार्टिंग में हम करते थे. वी हैव 5 इयर्स का डेटा, कैश इनफ्लो इज गिवन एंड वी हैव अ डिस्काउंट फैक्टर एट 10%. ये दिया है, नहीं दिया होगा तो वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला 1/1 रुपए का 10% इज 1.10 एंड जितने इयर्स के लिए होगा उतने इयर्स के लिए वी विल बी डूइंग इक्वल टू. सो यू विल गेटिंग दिस डिस्काउंट रेट. यहां पर दे दिया है, दैट्स गुड. सॉल्यूशन देखते हैं. कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, पहले तो हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. We will be jotting down all the years. Discounting factors का जितना भी दिया है the same you are going to pop it down. Cash inflow का column जो भी है the same you are going to keep it down. Now the last one is PI of CI. Now what is this PV of CI? PV of CI is present value of cash inflow. How you get this? By multiplying these two columns. Multiply and find out the answer. Multiply and find out. Chalo. Just check whether you are getting this answer. Sometimes because of the point, यहाँ पर 2-3 रुपीस का डिफरेंस आएगा, that is acceptable. 2-3 रुपीस का डिफरेंस is acceptable. वो भी क्यों आता है? Because of the point. Somewhere you take a 3 digits, तो point के बाद 3 digits से करेंगे तो 1-2 रुपए का चेंज आएगा. 4 digits लेके करोगे point के बाद तो भी थोड़ा सा चेंज आएगा. So 2-3 रुपीस का यहाँ पर अगर चेंज आ रहा है तो it is okay. Just check whether everyone is getting the same answer. Yes. तो हमें ये present value मिली हमारे cash flow की, ठीक है? ये cash flows की नहीं, present value हमें ये जो every year जो invest करते थे उसकी present value हमने calculate कर दी. मैंने वो दिन interpretation भी दिखाया था. At the first year when I am putting 18,182 rupees, तो year के end में I am going to get 20,000. तो मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू मिली ऑल द 5 इयर्स की व्हिच इज इक्वल टू 73,129.40 पैसा. अब आउटफ्लो कितना था, कितना पैसा इन्वेस्ट किया था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर? 60,000 रुपीज. तो अगर मैं इसमें से 60,000 रुपीज माइनस करूं तो माय नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी 13,129.40. नाउ अगर आपका ये अमाउंट पॉजिटिव आता है तो यू शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट. इफ योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इन पॉजिटिव यू शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट. अगर यहाँ पर नेगेटिव आंसर आ रहा है देन यू शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है? नेगेटिव है मतलब आप जितना पैसा डाल रहे हो उससे भी कम रिटर्न्स आपको मिल रहा है तो आप वो प्रोजेक्ट में क्यों पैसा डालोगे जब आपको पता है कि उधर लॉस होने वाला है. You will be, you know, always investing in the money in the project where you are going to get the money. वापस invest करने पे थोड़ा अच्छा हम लोगों को interest मिला वहीं पर अपना, जहाँ पर सी investment करने पर जहाँ पैसा बढ़ेगा वहीं पर पैसा डालोगे. So when NPV is positive, you should always invest in the project. So हमें concluding line लिखनी पड़ेगी because इन लोग ने हमसे decision मांगा है. See, state whether the
इन्वेस्टमेंट इज वर्थ वाइल, मतलब हमें बताओ कि इन्वेस्टमेंट करने जैसा है या नहीं. सो यू विल बी राइटिंग डाउन द लास्ट लाइन, सिंस नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव इट इज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट. नेगेटिव आएगा तो हम नहीं करेंगे इन्वेस्ट, पॉजिटिव होगा देन यू विल बी यू नो इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट. क्लियर?